फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बहुत ही अमेजिंग से फेस पैक के साथ आई हूँ। आप देख सकते हैं मेरी स्किन में जो ग्लो है, अब कितना अच्छा ग्लो है वो आप देख सकते हैं। मैंने अभी कोई मेकअप नहीं किया, बस एक लिपस्टिक पुट ऑन की है और जस्ट अभी कुछ 10 मिनट्स बैक मैंने एक फेस पैक अप्लाई किया था जिसने मेरी स्किन को काफ़ी ग्लोइंग बना दिया है, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। कोई मेकअप नहीं है, कुछ भी नहीं लगाया और ना मेरी स्किन ड्राई है और बिल्कुल भी ड्राई नहीं है। इस फेस पैक ने बहुत अच्छा मतलब इफ़ेक्ट दिया है और जस्ट 3 इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं मैंने बस, और बहुत ही अच्छा फेस पैक है। बहुत ज़्यादा तारीफ हो गई, चलो तो देखते हैं कि ये फेस पैक कैसे बनेगा और मैं उसको अप्लाई करके भी बताऊँगी और आप रिजल्ट्स भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। तो हमारे इस पैक का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है लिकोरिस, जिसे हम हिंदी में मुलेठी बोलते हैं। वो हमने लिया है यहाँ पे 2 टेबल स्पून। फिर हम 1/4 टीस्पून हल्दी लेंगे और इसके मुलेठी और हल्दी के जो बेनिफिट्स हैं मैं आगे चल के वीडियो में बताऊंगी। और इसके बाद इनको अच्छी तरीके से मिक्स करने के लिए या तो आप रोज़ वाटर ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने मिल्क लिया है, आप मिल्क भी ले सकते हैं क्योंकि मिल्क हमारी स्किन को ड्राई नहीं होने देगा और साथ ही साथ क्योंकि ठंडियों का समय है तो हमारी स्किन अच्छी रहेगी। तो इस मिक्सचर को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा मिक्स होने में टाइम लग सकता है क्योंकि मुलेठी का पाउडर जो है वो इतनी आसानी से मिक्स नहीं होता है, तो हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। जो मुलेठी है वो हमारी स्किन को ब्राइटन अप करती है और सन डैमेज जो हो जाता है उसे मिटाती है, हाइड करती है, डार्क स्कार्स जो हो जाते हैं वो फेड करती है, उनको हल्का होने में मदद करती है। जो हमारी स्किन की कंडीशन है या कोई प्रॉब्लम है, स्किन इशू, उसे ट्रीट करती है। जो हमारी स्किन में इन्फ्लेमेशंस होते हैं यानी कि जलन वगैरह होती है उसे वो रिड्यूस करती है, दूर करती है। हमारी स्किन को फर्म और टाइटन बनाती है, एक्ने को ट्रीट करती है, चोट वगैरह को हील करती है, स्किन इन्फेक्शन दूर करती है, फाइट रिंकल्स करती है, यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हमारी स्किन की होती है वो मुलेठी दूर करती है। और हल्दी तो एंशियंट टाइम से यूज़ कर रहे हैं, इसके बेनिफिट्स बताने की वैसे मुझे ज़रूरत नहीं है, बट वो एक्ने वगैरह में और बहुत सारी चीज़ों में हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आप इसे 20 मिनट्स तक रखिए और फिर उसके बाद वॉश कर लीजिए। फेस वॉश कर लिया है, ठंडे पानी से फेस धोया है और आप ग्लो देख सकते हैं। कोई मेकअप नहीं लगाया, बस हल्का सा लिप बाम लगाया है और ये देखिए मेरी स्किन थोड़ी सी रेड है क्योंकि आपको तो पता है कि मेरी सेंसिटिव स्किन है तो थोड़ा रेड हो जाती है। बाकी आप ग्लो देख सकते हैं मेरी स्किन में। और थोड़ी देर बाद और मतलब अभी जस्ट मैं वॉश करके आई हूँ फेस, तो थोड़ी देर बाद यानी एक दिन बाद या कुछ घंटे बाद और अच्छे ऑटोमेटिकली आपकी स्किन ग्लो करेगी। इसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई करूँगी और बस अपनी स्किन को छोड़ दूँगी, उसमें कुछ भी नहीं लगाऊँगी। आप मॉइस्चराइज़र के बदले एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे वो जेल लगा सकते हैं आप। तो कैसा लगा आपको वीडियो? और होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और मेरी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं है। देखिए बिल्कुल भी ड्राई नहीं है और जो स्पॉट्स थे इसे जो मेरे को थोड़े थोड़े से स्पॉट्स हो गए थे पिंपल्स की वजह से क्योंकि मेरी तबीयत बीच में ख़राब हो गई थी उस वजह से, तो वो सारे भी लाइट हो गए हैं और कल तक और फेड हो जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, ये फेस पैक पसंद आया तो शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।